अरे रेडी हो जाता तुरंत उठ के। उफ, कल रात हम लोग दोनों ने भी डेमन स्लेयर का मूवी देखा और मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ और ये भी तुम लोग को बता नहीं। अबे मूवी ऑफ द ईयर जीता है वो नहीं जीतता ना तो भी वन ऑफ द बेस्ट मूवीज देखा है मैंने। मतलब मैं सिर्फ होप कर रहा था कि मतलब हम लोग को थोड़ा सा ऐसा गंदे क्वालिटी में मिला, गंदे मतलब ठीक ठाक क्वालिटी में, बट अगर हम लोग को राइट क्वालिटी में मिलता तो शायद हम लोग रो देते, और ऑलमोस्ट मैं तो इधर तक रो दिया लास्ट में। अबे बहुत अच्छा है यार, मैं मतलब खाली प्रे ही कर सकता। ये भी बोल रही थी कि थिएटर्स में आ जाए, मजा आ जाएगा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आना चाहिए। सारा सब कुछ अपन छोड़ दे, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ YouTube। और मेरे को पता, तो आप सारे कैसे? बढ़िया, बहुत सही, मजे में। मेरे को पता तुम लोग सारे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज का प्लान कुछ ऐसा है कि मेरे को नहीं पता कैसे है, जाने का जिम इसके साथ, फिर आने का, फिर मेरे को विक्रम का क्लास लेना है, उतना फिक्स है। उसके बीच में कुछ हुआ तो तुम लोग को पता चल जाएगा, नहीं हुआ तो भी तुम लोग को पता चल जाएगा, है ना। अभी मैं सुसु करके आया, मेरे को जोर से आया मेरा जीजी लगा के। हाँ चलो भाई, फाइनली निकल गए हम लोग वर्कआउट के लिए। ये लड़की शूट करके रहती है, इसके लिए लेट होता, बट आज थैंकफुली इसने टांग नहीं दिया ये बोल के कि चलो आज भी मैं नहीं आ रही हूँ। एक ही दिन दिया मैंने, इतना क्या बात करता है, ठीक है ना। बैग तो ले लेते नहीं है, बैग देना, बैग ले। बहुत गर्मी हो रहा है, ऑब्वियसली मैंने हुडी पहना हुआ है इसके लिए, बट फिर भी जनरली भी, इन जनरल भी विदाउट हुडी भी गर्मी हो रहा है। आज लेग्स है, मेरा कॉफी भी खत्म हो गया और आज ही वर्कआउट चेंज हुआ है। इधर ही आ रहा था। हाँ ठीक है, तो आने के बाद इसने बुलाया, एक लड़के ने बुला के बोला कि तुम शुभंकर भाई के साथ प्रैक्टिस कर दो ना। मैंने बोला हाँ, बोला कि हाँ मैं उनका व्लॉग देखता हूँ, देखा तो सोचिए कहाँ कहाँ है आपके फैंस। रात को 12:30 बजे। हाँ वो इधर ही खड़ा था, मतलब इधर ही घर है उसका। सोचिए कहाँ कहाँ फैन है आपके। तू सिलेंडर देने जा रहा था क्या रात को? इतने रात को तू क्या कर रहा था? ऐसे आने के बाद खेल रहा था। खेल रहा था क्या? तो खेल रहा था भैया बाजू में, उसने बोला चलो थोड़ा टहल के आते, टहलने आया था तब सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी है मुझे नहीं यहाँ, बड़े सेलिब्रिटी। चल चल, आपका मेरा नहीं, आपका आपका मेरा कुछ नहीं। और ये मतलब कल भी देख लेगा वो, क्या बोल रहा था मैं। तो कल मैं लेग्स मार रहा था, तभी मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा कि अगर तुम लोग विदाउट शूज करो ज्यादा इफेक्टिव होता है लेग्स मारना, मतलब तुम लोग देखते हैं। क्योंकि कल का लेग सेशन इतना इंटेंस था मेरा, मेरे पास एनर्जी नहीं था और कुछ करने का, बट फिर भी लेग्स मार के आके मैं एक घंटे में क्लास लेने गया, फिर घर आया, फिर मैं मतलब चिल किया क्योंकि ज़रूरत था भाई। इतना भी ज़्यादा मेरे को ऐसा एग्जर्ट नहीं करना चाहिए, बाहर जाने का तो मेरे पास टाइम भी नहीं था क्योंकि कल मेरा क्लास था, और ना एनर्जी था कि उसके बाद मैं और कुछ क्रिएट कर पाऊँ। अभी फ़िलहाल वापस से मैं क्लास लेने जा रहा हूँ।
ग्लास लेके आ गया, बहुत थक गया पता नहीं, अब मैं जिम जाऊंगा, ये लड़की नहीं आएगी, अच्छा होगा, इसने मेरे को स्टार्ट से बोल दिया, इसको बहुत सारा शूट करने का। जो कंटेंट क्रिएटर है ना, मामा मालिश करूंगा पैर का। चलो अंडा बना दो। आज यही मूड है, एकदम सेम। शेर ऐसे कौन खाता है? कंपनी वाले जो थे वो लोग वापस से जीन्स देने आए थे, ये लड़की ने भी उनका ही जीन्स पहना हुआ है, मैंने भी उनका ही जीन्स पहना हुआ है, फिट बताता हूँ। बट एकदम अच्छा चीज़, अच्छा फीलिंग ये है कि वो आज आया और उसने मेरे को बोला कि वो मेरे कॉलेज का जूनियर है, मतलब उसने मेरे थ्रू डांसिंग वांसिंग सीखा हुआ है हमारे कॉलेज में। तो ऐसा देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि फक मेरे कॉलेज के जूनियर्स इतना अच्छा कर रहे लाइफ में, और पता नहीं दो दिन से कॉलेज के जूनियर्स से ही मिल रहा हूँ, इट्स अ गुड फीलिंग है ना। अभी तुम लोगों को जीन्स बताता हूँ, उनका टैग भी डाल दूंगा। इसका फिट इतना नाइस है, मतलब, और मैं ये कलर काफी टाइम से ढूंढ रहा था, और इतने नाइस लोग हैं। लास्ट टाइम जो वो लोग ने भेजा था जीन्स, वो मेरे को फिट नहीं आया, हम दोनों को भी फिट नहीं आया, थोड़ा सा एक साइज छोटा हो गया था, तो पर्सनली वापस से देने आया था। तुम लोग जाके चेकआउट करो, एकदम नाइस जीन्स है, रॉ जीन्स है, अच्छे कलर्स है, अच्छे फिट है, अच्छे पैटर्न है, तुम लोग जाके देख सकते हो। अभी फिलहाल मैं, रिया और मम्मी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा ट्रीट करने, क्योंकि मेरे को विराज ने बोला है कि एक कैफे खुला है वहाँ पर जाके चेक कर। हीरोइन OTP आया होगा तुमको। अच्छा ये आपका ही फोन है ना, मेरे को लगा मेरा फोन मेरे हाथ में, मैं कौन सा फोन देख रहा हूँ फिर। तो ये हम लोग पहुंच गए अभी। अरे बहुत प्रिटी है यार ये देखो, थोड़ा सा ऐसा अंदर अंदर से आओगे पवई लेक से ऑपोजिट होके थोड़ा सा खराब रास्ता है, बट ऐसे बहुत प्रिटी है यार, है ना। नहीं चलेगा, मैं कर लेता हूँ, आ जा। रेस्टोरेंट ही है ये, और बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अभी खा के भी देखते हैं कैसा है। मैंने कांच खोलो तो कैसा अंदर का डेकोरेशन, सब सेम वैसा ही रहते थे, मोस्टली तो सेम ही क्लियर है, ये थोड़ा अलग ही लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है मैं कॉलेज स्टूडेंट हूं। ऐसा तुमको क्या लग रहा है, तुम कौन से स्टूडेंट है? वो भी कॉलेज स्टूडेंट है, बॉयफ्रेंड के साथ आए थे चाय पीने, कॉफी पीने, और मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मुझे कोई मिला नहीं है, मैं अभी भी ढूंढ रही हूँ कैफे में आके। बाजू में तो बैठे है ना, मेरे बाजू में तो कोई नहीं है, ये बाजू में वो है ना। पढ़ती हूँ बोल के तो लाइन टू लाइन लिख के आती थी, हिस्ट्री मुझे बहुत पसंद है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस सिविक्स जो होता है मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट भी था, ये हिस्ट्री पसंद था।
भाई अपने को पीटी पसंद था भाई, पीटी पसंद था अपने को। मैं तो पीटी करता था, पीटी हमारा भी पीटी का क्लास रहता था, लेकिन उसमें पीटी का टीचर मैं ही होती थी। झूठ मत बोलो, कसम से पीटी का टीचर मैं ही होती थी। हाँ छोटा दीदी को पूछ लेना। तो हम लोग ने मॉकटेल लिया है, ये मम्मी का स्पाइसी मैंगो है, ये पॉपकॉर्न पंच है और ये उसको भी बियर है नॉन अल्कोहलिक। तो पी के देख, स्पाइसी नहीं है इतना, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। पी के देख शुगर का है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है ना। इसको ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि तेरे को तीखा रहेगा, नमकीन चीज़ ज़्यादा पसंद है ना। ये वाला एकदम हाइप चीज़ है यहाँ का पॉपकॉर्न पंच, क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सबसे बेस्ट कौन सा तुमने तीनों पी लिया है? मम्मी का, क्या बात कर रहे हैं। मेरा ज़्यादा अच्छा लगा। पसंद नहीं है, बेस्ट बोल रहा है, ठीक है। ये वाला मेरा फेवरेट है, मतलब अभी तक मैंने ये नहीं पिया। ये पी के देखो, दूध तेरे को वाइट चीज से थोड़ा वो है ना, लेकिन वाइट तेरे को बॉयफ्रेंड मिला है आपको, ये सबसे बेस्ट है। मम्मी का फेवरेट यही रहेगा। नहीं अच्छा है, नॉन अल्कोहलिक बियर जैसा टेस्ट करते हैं स्मेल, बट अच्छा है। ये वाला बेस्ट है, दारू जैसे स्मेल है। इसमें छोटे छोटे पॉपकॉर्न के पीसेस हैं अंदर, चलो इसलिए उठा के लेके जा रहा है। मतलब तुम लोग यहाँ पर आ रहे हो तो ये ट्राई करना, बहुत अच्छा है। लेकिन ये क्योंकि हम लोग बियर के फैंस नहीं है इतने ज़्यादा, है ना। अगर बियर के फैंस होते तो शायद से ये नंबर वन पे होता, मेरे को ऐसा लगता है, है ना। बहुत नाइस टेस्ट कर। आज मम्मी का वेज है तो मम्मी खा रही है हरा भरा कबाब, बहुत अच्छा है। और हमारा है नॉन वेज तो ये है मटन गलौटी कबाब, चटनी बहुत अच्छी है। शूट करने के चक्कर में इन लोग को देख देख के ऐसा मुंह में पानी आ रहा है मेरे को। एकदम सॉफ्ट। बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अमेजिंग। तो अभी हमको शेफ आए और उन्होंने बोला कि एक आइटम मैं अपनी तरफ से जो मेन्यू में नहीं है ट्राई करवाना चाहूँगा, तो अभी देखते हैं। फिलहाल तो हम लोग पनीर और चिकन खा लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कैसा है। ओ मशरूम है, सॉरी ये मशरूम है। अनबीटेबल, फेयर नहीं है। इनका लाइव अभी कौन सा चल रहा है, इससे अच्छा इवनिंग और हो नहीं सकता। इधर बैठना चाहते हैं हम दोनों, इधर बैठा दो हम दोनों। प्लीज लेट अस नो अगर तुम लोग भी हमारे साथ ही लकी अली का कॉन्सर्ट देख रहे थे तो। आई थिंक लकी अली इज द डेफिनेशन ऑफ एजिंग ब्यूटिफुली, मतलब वो जिस तरीके से एज कर रहे हैं ना वैसा कोई एज नहीं कर रहा, क्या बोलता है एकदम, है ना। लकी अली फैन, थैंक यू। अच्छा स्मेल कर रहा है, आना आके बता। सच में अच्छा है, अच्छा भाई। I know it.
आई नो दैट लुक। अच्छा वो एक ट्राई किया हमने है ना, बोली बोल के लोग घर पे आ गया। बहुत खाना खा के बहुत ज़्यादा खाया, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा खाना खाया और बहुत अच्छा खाया। लेकिन ये तुम लोगों को जाने का, तुम लोग भी जा सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में तो प्रॉपर गूगल मैप्स का लोकेशन डाल सकता हूँ, तुम लोग जा सकते हो। और मेक श्योर करो कि तुम लोग दिमाग में रखो कि वो कैफ़े नहीं है, वो रेस्टोरेंट ही है जिसको कैफ़े जैसा डिज़ाइन किया हुआ है। तो उधर कैफ़े वाला फूड बिल्कुल भी नहीं मिलता, प्रॉपर रेस्टोरेंट मतलब डाइन इन वाला फूड मिलता है वहाँ पर। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है बट फूड इतना अच्छा है कि सारा सब कुछ मेकअप कर लेता है वो। दूसरी बात, आज मैंने ब्लॉग नहीं डाला था तो मेरे को बहुत सारे मैसेज आए कि आज का ब्लॉग किधर है, आज अधूरा अधूरा लग रहा है, ऐसा हम्बल फील होता है। बट मेरे हिसाब से ब्रेक लेना भी जरूरी है। मतलब मेरे को एकदम ज्यादा ऐसा हो रहा था कि रोज आके एडिट करो और ऊपर से क्लास भी था कंटिन्यूस। फ्राइडे सैटरडे संडे मेरा एक्सट्रीम ज्यादा हेक्टिक जाता है क्योंकि मेरे को जिम भी जाना होता है, फिर मेरा क्लास भी होता है, मेरा मॉर्निंग को भी क्लास होता है, पर्सनल क्लासेस भी होता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना। तो इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि मतलब सबको एकदम थैंक यू, तुम लोग ने मेरे को मिस किया, ऐसा अच्छा लगा, ऐसा दिल को गुदगुदी हुआ थोड़ा बहुत, ऊपर नीचे आगे पीछे इधर उधर आजू बाजू। बट ब्रेक लेना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे लिए भी रिमाइंडर है ना, ब्रेक ले लो। ऐसा सब चीज को जॉब की तरह मत करो, मेरा ये तो जॉब भी नहीं, मैं तो फन के लिए करता हूँ। बाकी अभी रिया भी एडिट कर रही है, उसका भी आज ब्लॉग आएगा। ये ब्लॉग खत्म होते ही तुम लोग उसका ब्लॉग देख सकते हो, शायद से एक मिनट लेट हो जाओगे अगर तुम लोग मेरा पूरा ब्लॉग देख के जा रहे हो तो। बट जो भी है, जैसा भी है, आज के लिए अपन ब्लॉग को इधर ही खत्म करते हैं। तुम लोगों को पता है तुम लोगों को क्या करने का, तुम लोगों करने का दुआ दिल खोल के ऊपर से लेके नीचे तक है कि नहीं, आगे पीछे सोचने का नहीं बिल्कुल भी, वो करने का एडिट चाहे कुछ भी हो जाए। रिया भी अभी एडिट कर रही है, अपन मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। और अच्छे के बाय, पीस। सब लोग मेरे को बाल कटाने बोल रहे हैं ना, नेल्स चेक करो और जाके नेल्स काटो अभी के अभी।